गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब? जय जय श्री राम। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हर हर महादेव। तो हम चले मंदिर। सुबह आपने कई बार मेरे व्लॉग में देखा होगा कि जब भी गाड़ी स्टार्ट करती हूँ या फिर कभी मनीष के साथ भी बैठी होती हूँ तो मैं व्लॉग करती रहती हूँ, तो बीच में कुछ बोलती हूँ। तो आज मैं सोची थी कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो जब भी आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हो या साइड में बैठे हो या किसी के साथ भी अगर पीछे बैठ के भी जा रहे हो, मतलब आप कभी भी गाड़ी पे सवार होके जा रहे हो और आपको अगर ऐसा होता ना कि कोई अनहोनी ना हो, अगर आप पहली कंडीशन है कि सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी तो कोई दुर्घटना नहीं होगी। उसके लिए ना एक चौपाई है एक्चुअली ना, तो वो है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिख दूंगी। होता है कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। पूरा यहाँ पे लिख दूंगी। अगर ये अब तो मेरे एकदम रट गई है, जब भी मैं ऊबर से भी आती हूँ, मैं किसी की मतलब ऐसे बाइक वगैरह भी बुक करती हूँ तो भी ऐसे हो जाता है कि मैं बोलती हूँ चलो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगी। आप आदत में डालो, हैबिट में डालो, कभी भी जा रहे हो ये 100% है कि कोई दुर्घटना नहीं होगी आप लोगों के साथ में। बनाना खाना है आपको? खाना है तो ही लो, अदरवाइज लाओ। मम्मा पील कर दे, करो नहीं बाहर बाहर नहीं जाओ। लड्डू सुनो, मम्मा की बात सुनो पहले, वो तो फेंकना मत। ओके, तो मुझे अभी ये सब समेटना है पूरा, और ये सारा समेट के उतना मैं सोचूं ड्राई क्लीन करवाऊं या क्या करूं इस साड़ी का, क्योंकि अभी तक मैंने वॉश नहीं करी है। जब से लिए एक दो बार पहनी है, ये थर्ड टाइम था आई थिंक जब पहनी है। अब सोच रही हूँ सिर्फ पानी में वैसे निकाल लेती हूँ, फिर ड्राई क्लीन को दे दूँगी। और ये सब समेट के मैं अब ये वाली बेडशीट उठा के नॉर्मल वो गर्म वाली बेडशीट बिछानी पड़ेगी, क्योंकि ना रात को ठंड लगती है। और कंबल भी निकालेंगे। आ जा, ये तो मम्मा को दो, ये तो दे दो, दे दो, दे दो। चलो 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 चलो, हाँ चलो चलो अंदर चलो। ये लो, हाँ ये लो। खाना है पील कर दूँ? और ये फाइनली ये गरम वो है, मतलब हमारी तरफ ऐसी वाली स्लीपर मिलती है सर्दियों में ना, और ये बहुत महंगी नहीं होती, 20-25 रुपए की। कहीं तो अगर वैसे एक साथ लाओ तो 15-15, 10-10 रुपए में मिल जाती है। इतनी सही होती है, इतनी गर्म होती है, मतलब सॉक्स सॉक्स पहनने की जरूरत नहीं है। तो 3-4 जोड़ी मनीष ले आए थे, अभी गए थे तो हाँ लाओ दे दो। थैंक यू, थैंक यू। इसको लग रहा है कि ये बबो है। चीकू देखते रहे, देखते रहिए, गंदे हो रहे हैं तेरे शूज। अंदर ही घूमती है ना, अंदर भी फिर भी किसी पे पैर रख देगी बालकनी में चली जाएगी। आ जाओ नीचे, देख उसकी स्कर्ट नीचे कर, डॉल की स्कर्ट नीचे करो। चीची चीची चीची, हाँ डॉल की स्कर्ट नीचे करो। अरे वाह मेरा बेटा, वाह पाली डॉल है ना तेली। हाँ शूज, यस पिंक पिंक। और ये कौन है, ये कौन है? हाँ ये कौन है? हाँ कौन है ये? बाओ 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 नहीं है, बाओ बाओ नहीं है। उरी दो बाओ। और कैट कैसे बोलती है कैट? और डॉग, डॉग और पिग, पिग पिग कैसे बोलते? ओइंक ओइंक ओइंक। और डक, डक डक कैसे बोलती है? क्वैक 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 क्वैक। डेकोरेशन उतरने लग गया है घर का बिल्कुल। घर सुना सुना हो जाता है यार शादी के बाद, लिटरली इतना, मतलब मुझे अभी तक याद है ये सब देख के ना। जैसे मैं अभी, जैसे इनकी शादी थी ना, उसके दूसरे दिन ऑफिस से आई, 29 को 30 को शाम को ऑफिस से आई, इतना सुना लग रहा था एकदम घर ना। मतलब होता ना हर बार, पहले जब आती थी तो नीचे से आवाज़ें आती रहती थी, कुछ ना कुछ कोई ना कोई होते ही थे। फिर मुझे अपना टाइम याद आ गया जब पिंकू को विदा करके हम लोग घर पे आए थे। मैं पता नहीं याद कर करके इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, मन ही मन में इतना रोना आ रहा था यार, जैसे तो पता नहीं, मतलब होता है ना कि वो हमेशा के लिए चली गई। वैसे तो लड़की शादी के बाद होता ही है कि हाँ चली गई मान लो, पर ठीक है वो अभी पापा के साथ रह रही है। बट वो जो मोमेंट होता है ना शादी के जस्ट बाद वाला, एकदम आपका घर भरा रहता है, फिर एकदम से खाली हो जाता है,
और ऐसा लगता है कि और क्या हो गया, बहुत ही वैसा मोमेंट होता है। और अब जब डेकोरेशन उतर रहा है, घर से कोई मतलब होता ना कि लोग नहीं है, पहले हमेशा घर भरा रहता तो बड़ा अजीब सा लगता है यार शादी के बाद वाली वाइब। जितना अच्छा पहले लगता है उससे दुगना बुरा बाद में लगता है लिटरली। और जिनके घर शादी होती है उनको तो बहुत ही बुरा लगता है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड आंटी जी की सिचुएशन की यार कितना खाली खाली सा लग रहा होगा उनको। कल एक और शादी है, उसका भी मैं आउटफिट तैयार करके रखती हूँ कि भाई कौन सी साड़ी ही पहननी होती है। ऑफकोर्स मेरे को तो ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शादी है ना, जो फंक्शन है उसके हिसाब से वाइब करना चाहिए। तो शादी में मेरे को लगता है कि शादी के किसी फंक्शन में साड़ी पहनो, मस्त रहो, अच्छा लगता है ना। सो वो सब साड़ी वाड़ी अलग करके रख दूंगी। शॉल्स हैं जो भी हैं, पिंकू की शादी में दो अच्छे अच्छे स्टॉल्स लिए थे मैंने, तो वो फ़ायदा है, एक मम्मी ले लेती है एक मैं ले लेती हूँ, तो वही होता है। खैर मैंने तो पूरी शादी में दो बार गए, हम जरूरत ही नहीं पड़ी, अंदर वहाँ भी सर्दी नहीं लगी, रिजॉर्ट में भी शादी वाले दिन उस दिन वहाँ भी नहीं लगी। तो मैं समेट रही हूँ ये सब, अभी देखो कैसे एकदम ऐसा कबाड़ भरा हुआ है, ये बिल्कुल समेटती हूँ, एक एक लाइन जमाती हूँ। ऊपर तो साड़ी वाली लाइन ये सब हो चुकी है, मतलब वैसे ज़्यादा फैला नहीं था, बस ऐसे घड़ी कर करके फोल्ड कर करके रखना था। तो ये मेरी ब्लाउज वाली, इसमें सारे ब्लाउज एक साथ है, ये येलो वाला सॉरी रेड वाला जो है बॉक्स, इसके अंदर पेटीकोट्स हैं सारे। तो और जो एकदम हेवी ब्लाउज है ना वो ऐसा पॉली बैग के अंदर रख के इसमें रखे हुए हैं। तो ये सब मैं समेट रही हूँ। बाकी इट इज़ लाइक कि अभी मनीष जिम से आके गए नहाने, अब मेरे को मम्मी ने सब्जी बना दी थी, आटा लगा दिया था, तो वो खा के सो चुके हैं। अब मेरे को सिर्फ रोटी बनानी है, तो ये सब समेट देती हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी, एंड देन फिर मैं रोटी बना के हम लोग लंच कर लेते हैं। बेटू को खिलाने में ना इतना टाइम लगता है, और आजकल मैं नया नया उसको प्लेन बहुत पसंद, तो मैं उसको प्लेन आया प्लेन आया प्लेन आया करके किस दिन दिखाऊंगी ब्लॉग में, बहुत बहुत इंटरेस्टिंगली खा लेती है वो। उसको फिर उसमें जो है ना फ़ोन की ज़रूरत है ना टीवी की ज़रूरत है कुछ नहीं, बस उसके पीछे 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 मुझे भागते रहो, वो प्लेन आया प्लेन अपने आप मुँह खोल देती है, यहाँ लैंड कर गया, इतना अच्छी सिखाती है। तो नई नई चीज़ें बच्चों के साथ सीखनी पड़ती है और सिखानी पड़ती है, उनको खिलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता यार, अलग अलग तरीके हैं, मुझे लगता है कि हम अपने आप ही सीख जाते हैं यार। ये लो ये तो सो ही गए, पापा तो छो गए बेटा, छू जा चुपचाप छू जा, लेटो चुला दो पापा को भी चुला दो, तुम भी हाय। रैबिट तू, छोटे से रैबिट। हाँ नैना देवी का टोपा है ये। नैना देवी के यहाँ की निशानी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, है खैर हमारे पास भी है, फ्रिज मैग्नेट है हमारे पास वहाँ की। ऐसे चढ़ा रहे हो, ओ आया आया आया, आओ आ गया, आओ आ गया, नहीं तो एकदम ही गिरे देखना। ओए होए ओए होए ओए होए, पलट गया ये तो डर के मारे। ओए ओए सामने देख ले, सारी सराउंडिंग्स देखनी है। हाँ ठीक है, आया आया आया, पलट के क्यों आता है बेटा। ऐसे तो नहीं है दिक्कत, सीधा आए तो गिरे, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पे जाना है उसको। वहीं से हाँ वो आ गया आ गया आ गया आ गया, पाली कर दो पाली कर दो पाली कर दो। गई 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 नीचे गई, आ रही आ रही आ रही, ये आ गया आ गया आ गया, चिको आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ओ बहु उसको डरा रहा है क्या तू, हाँ उसको डरा रहा है क्या तू। को घर छोड़ के हम लोग वापस आए हैं, क्योंकि इनका मन हो रहा था आज बाजरे की रोटी खाने का, सर्दियाँ आ गई है तो ऐसे ही है, और ऑनलाइन इतना महंगा मिल रहा था कि डबल दी प्राइस, डबल नहीं ट्रिपल दी प्राइस, ऐसा ऐसा 60-70 रुपए का आधा किलो। मैंने कहा यार ये तो चलेगा नहीं, फिर हम चक्की पे आए हैं, और मेरे को मंदिर में दिया लगाना था, तो पहले मैंने कहा चलो साथ में ही चल चलती हूँ मंदिर में दिया लगा। एक, 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 एक,
वो कुछ करना चाह रही, आपने ऐसे बनाया हुआ ना मिलते ही तो वो गए 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 पापा 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 देख तुम्हें देख के इग्नोर मार के चली, तुम्हें देखा विद्या कहाँ गई पापा A4 अपू B4 कैट कैसे कर रही कैट कैसे करती है। तो चलिए जी ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं चिकू की मस्ती के साथ, आपसे मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। कल जाना है हमने शादी में, तो कल आपसे मिलेंगे हम एक नए व्लॉग के साथ में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी। अगर बस पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, जय श्री राम जी को, बाय आता पाई, और जय श्री राम, जय श्री राम, जय छू जा छू।